अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर के डी कैंपस से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम काम करेंगे उर्दू की किताब का। सबसे पहले किताब खोलें। उर्दू की किताब का आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 6। सबसे पहले आप यहाँ पर तारीख लिखेंगे। जिस दिन आप काम करेंगे उस दिन की आपने तारीख लिखनी है। आप इबारत पढ़िए मेरे साथ। पढ़िए और लिखिए, पढ़िए और लिखिए। सबसे पहले हम ये लफ्ज़ अच्छी तरह से पढ़ेंगे। स आसा र आरा सारा, ज आजा ग आगा जागा, च आचा र आरा चारा, च आचा ट आटा चाटा, प आपा त आता पाता, ज आजा त आता जाता, सारा जागा चारा चाटा पाता जाता। अब इसको हम जल्दी से पढ़ेंगे। सारा जागा चारा चाटा पाता जाता। इसको आप 3 से 4 बार अच्छी तरह से पढ़ने के बाद जब आपको याद हो जाए फिर हम इसको नीचे नीचे लिखेंगे। हल्के रंग की लाइन पर लिखना है, डार्क लाइन पर नहीं लिखना। सबसे पहले क्या लिखा है, जहाँ ऊपर लफ्ज़ लिखा है उसके नीचे ही लिखेंगे। सारा जागा चारा चाटा पाता जाता। आप ये पहला हिस्सा इसी तरह से नीचे लिखने के बाद कम पूरा करेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे भी। अब हम अगला हिस्सा करेंगे। सबसे पहले हम अबारत पढ़ेंगे। अबारत के नीचे उंगली रखकर मेरे साथ साथ पढ़ें। अल्फाज के हरूफ अलग अलग करें। अल्फाज के हरूफ अलग अलग करें। ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं इनको पहले अच्छे से पढ़ें। स आसा र आरा सारा, ज आजा ग आगा जागा, च आचा र आरा चारा, च आचा ट आटा चाटा, प आपा त आता पाता, ज आजा त आता जाता, सारा जागा चारा चाटा आता जाता। यही सारे हर्फ हमने ऊपर भी लिखे हैं, अच्छी तरह से याद होंगे आपको। अब हम इनके हरूफ अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे हमने सबसे पहले पढ़े थे, इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, स आ, इनको अलग अलग करेंगे। स के बाद प्लस का साइन, आ, स आ के बाद र आ, र आ, सारा
इसके हरूफ हमने अलग अलग करके लिख दिया, अब हम नेक्स्ट को भी इसी तरह से करेंगे। ज आ ग आ जागा। अगला लफ्ज़ है चाड़ा। च आ र आ चाड़ा। आप इसी तरह से हर्फ के नीचे हर्फ आना चाहिए ताकि हमारा काम प्यारा लगे, अगर आगे पीछे होगा तो वो गंदा सा काम लगता है। इसी तरह से हम ये आगे भी लिखेंगे, च आ ट आ चाटा, प आ त आ पाता, ज आ त आ जाता। इनके हरूफ को भी आप इसी तरह से आगे अलग अलग करके लिखेंगे। बहुत प्यारा काम करना है प्यारे बच्चों, बुक्स को ख़राब नहीं करना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।